Zero to Professional English Course. A creation of Habib Riaz. Lesson number 14 Interjection. For a better experience of the course, you should buy our book Golden English Intermediate Level 2. Zero to Professional English Guide A Golden Gift for English Learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners. As this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. बसमिल वरम वक्त उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखेत होंगे आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 14 और आज हम पढ़ेंगे पार्ट स्पीच के इंटरजेक्शन वाले चैप्टर को तफसील के साथ लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे कल हमने क्या पढ़ा था कल हमने कंजेंशन के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कंजंक्शन किसे कहते हैं कंजंक्शन कहते हैं उन कलिमात को जो एक कबील की दो चीज़ों को जोड़े या दो जुमलों को आपस में जोड़े जैसे कि आप कहते हैं जैद एंड जाहिद वेंट टू हॉस्पिटल आप कहते हैं आई फोन यूड है बट यू डू नॉट रिसीव माई कॉल आप कहते हैं आई एंड ही वेंट डियर लाइक डैट ओके आगे हमने पढ़ा कंजंक्शन की गुल कितनी किस्में हैं और मैंने बताया था कंजंक्शन की कुल दो किस्में हैं एक को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं दूसरे को हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजेंशन किसे कहते हैं जो दो मुकम्मल जुमलों को जोड़े या जो आपस के एक कबील को जो चीजें उसको जोड़े और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किस कहते हैं सब ऑर्डीनेटिंग कंजेंशन उससे कहते हैं जो एक मुकम्मल जुमले को जोड़े और एक नाकिस या एक सजा जुमलों को आपस में जोड़े उसको बोलते हैं सब ऑर्डीनेटिंग कंजंक्शन आगे हमने पढ़ा इनकी किस्मों को अगर हम बात करें कन्जेंशन की मिसाल की जैद वेंट टू द हॉस्पिटल आई फोन यू स्टडे बट यू डू नॉट रिसीव दई कॉल और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिंग कन्जेंशन की तो उसकी कुल चार चार्मी हमने बताई थी आपको पहले को हम कॉप्यूलेटिव कन्जेंशन कहते हैं यानी दो बयानों को आपस में जोड़े दूसरे को हम एडवर्जिव कन्जेंशन कहते हैं इसका मतलब ये है कि दो बयान हो लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ हों और तीसरा जो है अल्टरनेटिव कन्जेंशन कहते हैं का मतलब एक दूसरे के मुतबाद हों दोनों जुमले और हमने आगे पढ़ा था इलेक्ट्रिव कंजंक्शन इलेक्ट्रिक कंजेंशन के बारे में क्या बताया था कि जो नतीजा निकल कर आया किसी वजह से कोई चीज हो कोई चीज हो तो उसकी वजह से कोई नतीजा हो तो उसको बोलते इलेक्ट्रिव कंजंक्शन तो ये सारी बातें हुई कोऑर्डीनेटिंग कंजंक्शन के बारे में आगे हमने पढ़ा सब ऑर्डिनेटिंग कंजेंशन सब ऑर्डीटिंग कंजेंशन किसे कहते हैं जो एक मुकम्मल जुमले को एक नाक़ी जुमले को जोड़े जैसे कि आप कहते हैं आफ्टर बिकॉज इफ़ ई डेट वेयर वाइल वगैरह वगैरह इनको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजेंशन जैसे क्या आप बोल देंगे सब ऑफ टाइम ये किस में है तो टाइम जब आएगा तो उसको बोलेंगे कंजेंशन ऑफ टाइम अगर जगह वजह या रीजन समझ में आए तो कंजेंशन ऑफ कॉज या रीज़न अगर कोई मकसद निकल कर सामने आए तो कंजेक्शन ऑफ पर्पज़ अगर कोई रिजल्ट आए तो उसको बोलेंगे कंजेंशन ऑफ रिज़ल्ट अगर कोई शर्त हो तो उसको बोलेंगे कंजक्शन ऑफ कंडीशन अगर कोई यानी कंसेशन हो उसके बराबर बराबर हो जाए बिलाक्स हो जाए तो उसको बोलेंगे कंजेक्शन ऑफ कंसेशन अगर हम बोल कंजन ऑफ कंपेरिजन तो जिसमें हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को उसके बारे में हम गुफ्तु करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंजेक्शन ऑफ कंपेरिजन Okay, guys. So tha. Ab hum exercise ki taraf. in this part we will check our grammar please remember that this is a multiple choice question where you have to choose the correct answer for every question you have only 15 seconds let us begin with the test The correct answer here is the correct answer. The correct answer Here is the correct answer. 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 ओके तो गाइस तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का नया सबक और आज हम बात करेंगे इंटरजेक्शन के बारे में इंटरजेक्शन किसे कहते हैं इंटरजेक्शन उन अल्फाज को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम खुशी के वक्त गम के वक्त यानी एहसास के वक्त करते हैं अब एहसास खुशी का हो गम का एहसास हो उदासी का एहसास हो दर्द का एहसास हो कोई भी हो जिसका ताल्लुक एहसास से इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन ओके जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं अलस आ ए औच फ्यू उओ ये चंद अहम इंटरजेंशन हैं इनका इस्तेमाल हम करते हैं एहसास के मुतालिक। अब अलस का इस्तेमाल है ओ का इस्तेमाल है आ का इस्तेमाल है, ओच का इस्तेमाल है ए का इस्तेमाल है फ्यू का इस्तेमाल है hey का इस्तेमाल है ओ का इस्तेमाल है हरे का इस्तेमाल है और वाओ का अपना अपना अलग इस्तेमाल है जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं ओके okay ये सारे के सारे क्या हैं ये सारे के सारे इंटरजेक्शन हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम किसी एहसास के वक्त करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरजेक्शन में अलस की अलस का इस्तेमाल हम कब करते हैं अलस का इस्तेमाल, इस्तेमाल हम करते हैं दुख के वक्त अफसोस के वक्त या तरस खाते वक्त ठीक है जैसे कि आप कहें दिस अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर आप अफसोस कर रहे हैं कि अफसोस सद अफसोस कि मैंने ये मौका खो दिया ओके तो दुख के वक्त भी आपके यहाँ पर इसको दुख के माने भी ले सकते हैं आपको दुख हो रही है यहाँ पर अफसोस के माने भी ले सकते हैं और तरस खाते वक्त भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो अलस का इस्तेमाल किसके साथ है अलस का इस्तेमाल दुख के साथ है अफसोस के साथ है या तरस खाते वक्त आप इसका इस्तेमाल करते हैं आगे हम बात करेंगे इसकी दूसरी किस्म की आह आह का इस्तेमाल हम कब करते हैं आह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सुकून के वक्त खुशी महसूस हो उस वक्त भी या हैरत के वक्त भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम बात करेंगे आह नाउ एंड द स्टोरी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसलिए आपने इस्तेमाल किया आह नाव एंड रिस्टू इस अब मैंने स्टोरी को या इस वक्त मैंने स्टोरी को समझ लिया है या अब मुझे स्टोरी या कहानी समझ में आ गई है ओके okay गाइस तो ये आ का इस्तेमाल है आगे हम बात करेंगे ए की ए का इस्तेमाल हम कब करते हैं ए का है इस्तेमाल हम करते हैं सवाल करते वक्त आप उसमें ताकत पैदा करना चाहते हैं जिसे हम उर्दू बोलते हैं है ना मैं तुम्हारे पास आया था ना है ना ना तो ये जो है ना या ना का आप इस्तेमाल करते हैं इसके माने में हम ए का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप कहें इट वॉज अ प्लेजेंट जर्नी ए यानी कि यह बहुत ही पुरसकून बहुत ही अच्छा सफर था है ना यहाँ पर ए का मतलब होगा है ना आप इसका इस्तेमाल सवाल समझ में ना आए और आप सामने वाले से कहें कि दोहराए उसके लिए भी आप इसका, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं ए आई कुड नॉट गेट वट यू मीन यू प्लीज रिपीट इट मुझे समझ में नहीं आया आपका क्या मतलब है क्या आप इसे दोहरा सकते हैं यहाँ पर ये मतलब है इसका आगे हम बात करेंगे इसकी चौथी किस्म की और इसकी चौथी किस्म है है का इस्तेमाल हम करते हैं किसी की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए ना है उर्दू में भी है बोलते हैं सुन तो यहाँ पर यही है जैसे कि हम कहेंगे है वाट आर यू डूइंग इन माई रूम तो वो कोई बिजी था आपके रूम में आप उसके पास गए आपने उसकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए है का इस्तेमाल किया है व्हाट आर यू रूम कर क्या रहे हो भाई मेरे रूम में तुम इसका इस्तेमाल हम करते हैं ख़ुशी के इजहार के वक्त भी जैसे कि आप कहें हे आई एम एक्साइटेड टू मीट यू हेयर यानी आपने किसी से मुलाकात की आप बहुत ज़्यादा खुश हुए आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली उससे मिल करके तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे आगे हम बात करेंगे इसकी छठी किस्म की यानी छठे अवार्ड की किस्म ना कहें बल जैसे हुर्रे कहते हैं हूरे का इस्तेमाल खुशी के वक्त करते हैं बहुत ज़्यादा खुशी हो जैसे कि आप कहें अवर टीम वन मैच कहीं पर मैच हो रहा था और आपकी टीम जीत गई जाहिर सी बात है टीम के जीतने पर आपकी आपको खुशी होगी तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया एक वर्ड है ओह ओ का इस्तेमाल हम करते हैं जज्बात का इजहार करने के लिए जैसे कि आप कहें ओ नो आई फोगट माई मोबाइल एट होम ठीक है यहाँ पर आपका जज्बा है हैरत है किसी को बर रास्त बुलाने के लिए किसी को आप बुलाना चाहते हैं कॉल करना चाहते हैं यानी है के बारे में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप कहते हैं ओ ड्राइवर विल यू स्टॉप द बस प्लीज़ कि ड्राइवर साहब क्या जरा सा बस रोक देंगे आप यहाँ पर आप बर रास्त ड्राइवर को बुला रहे हैं इसके लिए भी आपने इसका इस्तेमाल किया किसका ओ का ओ ड्राइवर ओ गोया कि हम उर्दू भी ओ का इस्तेमाल करते हैं गाइस उसके बाद किसी बयान के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी किसी बयान मतलब एतराफ़ करना चाहते हैं किसी कोई बयान था कोई चीज़ है जिसका आप एतराफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप कहेंगे ओ यस इट्स वन ऑफ़ माई फेवरेट गेम्स ठीक है ओ oh यस yes, अरे वाह तो यहाँ पर आप बयान का यानी बयान का एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है तो गोया के लफ्ज़ ओ का इस्तेमाल अगर आप जानते थे सिर्फ तकलीफ के वक्त ही होता है लेकिन इसका इस्तेमाल हम और मान्य भी करते हैं जैसे कि किसी को बुलाने के लिए भी करते हैं और किसी बयान में यानी एतराफ़ करने के लिए कोई चीज़ उसके लिए भी हम ओ का इस्तेमाल करते हैं अगर हम इसके अगले वर्ड की बात करें जो कि ओच आउच।, आउच का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम है आप खासकर लड़के इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल कब करते हैं आप अचानक दर्द या मायूसी का इजहार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं अचानक दर्द हो जैसे आउच यू आर स्टैंडिंग ऑन टो इट हर्स। इसका यूर स्टैंड है ना उर्दू में हम लोग कैसे निकालते यू आर स्टैंडिंग ऑन टो कि आप मेरी उंगली पर खड़े हैं इट इटहर्स ये तो बहुत तकलीफ वाली बात है तकलीफ दे रही मुझे ये चीज ठीक है आप मेरे पैरों पर खड़े हैं और ये बहुत दर्द कर रहा है दर्द हो रहा है मुझे तो यहाँ पर अचानक आपको दर्द हुआ इसलिए आपने तो इसका इस्तेमाल किया और मायूसी का इजहार करने के लिए भी आपका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप कहते हैं ओ आई रियली वॉन्टेड इन दिस कंपटीशन अरे यार मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था तो उसके लिए अरे यार को क्या बोलेंगे आउच ठीक है तो ये आपका सातवा इंटरजेक्शन हुआ इन सातवा वर्ड हुआ आगे हम बात करेंगे आठवें वर्ड की जिसे हम कहते हैं फ्यो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं इसका इस्तेमाल खुशी के शदीद रद्द अमल कजार करते वक्त यानी बहुत ज़्यादा खुशी हो गई हो तो उस वक्त आपका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ख़ास तौर पर कोई ऐसी खुशी हो कि मतलब आप भूल ना सकें ठीक है जैसे कि फीव आई एम सो ग्लेट डेट माई एग्ज़ाम हैज़ बिन स्पोस्पोन तो एग्ज़ाम वगैरह जब टल जाता है तो कितनी खुशी होती है ना उस वक्त आप ये इस्तेमाल करेंगे हुर्र वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे फ्यू तो खुशी के शदीद रर्दल का इजहार यहाँ देख रहे बहुत ज़्यादा खुशी पाई गई है इसके लिए आपने इसका इस्तेमाल किया इसी तरह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो कहीं पर उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर छींची के माना पर ले सकते हैं छींची ओके तो इसके लिए आप फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हिज फीट स्मेल सो बैड बहुत बुरी बदबू आ रही है उसके पैर से या उसके पैरों से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है तो यहाँ पर आप बदबू को मतलब निगेटिव के मान में बयान कर रहे हैं उसे बेजारी का इजहार कर रहे हैं उसके लिए आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे अगला है हैं हिचकिचाहट का इजहार करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। डू यू समथिंग एल्स डू यू वांट समथिंग एल्स तो यहाँ पर डू यू वांट ऊ समथिंग एल्स तो यहाँ पर आप हिचकिचा रहे हैं हिचकिचाहट हिचकिचाते है भी आप सवाल कर रहे हैं सामने वाले से तो उस वक्त आपका इस, आप इसका इस्तेमाल करेंगे गाइस ओके आगे हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की वाओ वाओ के बारे में बात करेंगे वाओ का इस्तेमाल आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा आम है खुशी के लिए बहुत ज्यादा चीज अच्छी लग गई तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे जैसे वाओ यू आर लुकिंग सो हैंडसम टुडे क्या बात है भाई बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज आप तो ये माना है इसका वाओ का क्या बात है माशाल्लाह के माने भी आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप माशा एकदम हैंडसम खूबसूरत और जमील ओके तो ये दस चंद अहम आपके इंटरजेंशन थे जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हीं के साथ हमारा आज का सबक खत्म हुआ इस तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा आज के सबक में हमारी गुफ्तगु हुई वॉट इज इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन के इस्तेमाल इंटरजेक्शन किसे कहते हैं इसके बारे में बात की और हमने बताया इंटरजेक्शन किसे कहते हैं उन अल्फाज को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी एहसास के वक्त करते हैं अब चाहे एहसास खुशी का एहसास हो चाहे गम का एहसास हो तकलीफ का एहसास हो दर्द का एहसास हो तो उस वक्त हम इनका इस्तेमाल करते हैं और हमने आपको पढ़ाया चंद अहम इंटरजेक्शन जैसे कि सबसे अहम है अल ए यू ओ वे जो है तीन दो पाँच दस इंटरजेक्शन है जिनका इस्तेमाल आपको सीखना है सही इस्तेमाल सीखना है ताकि आप इनका सही इस्तेमाल कर सकें जब तर्जुमा वर्जुमा आए तो उस वक्त भी आप उसके यानी तर्जुमा करने के लिए आ जाए जुमले में तो उस वक्त आप उसका सही प्रयोग कर सकें सही तौर पर इनको इस्तेमाल कर सकें तो इन्हीं के साथ हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको हम लेते हैं तो इसी के साथ आज का हमारा सबक खत्म हुआ और इन शाह हम आपसे मिलेंगे कल अगली सबक अगर... समक में असल वरहुल्लि वर्का